इस पर नहीं क्यों है यार, उसके जब बड़े थे तो थे, तो तुमने उससे करना क्या है? देख के अच्छा लग रहा था। अरे बहुत बड़ा हो गया। जाइंट थी नी हिडिंबा के खानदान की। इतने बड़े बड़े थे उसके। क्या बड़े बड़े थे? कुछ छोड़ो यार, तुम जानते हो। छोड़ो क्या छोड़ो, फोन दो। सुनली चाचा मन पेट भर गया तुमसे तो छी लाख गुना अच्छी हूँ मैं। तुम्हें तो मैं मिल गई वही शुक्र मनाना चाहिए, वरना मेरे से भी बेकार नहीं है तुम्हें तो। हाँ। तो ना गन्ने की मशीन में जैसे डाल देना तो अभी जूस बिना निकले। उसके देखो हर चीज बढ़िया जो है, एक मतलब तरीके से रखे थे हर चीज। क्या रखे थे तरीके से? हेलो गाइस, मैं कुलदीप, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं पियानो के साथ एक खतरनाक प्रैंक करने वाला हूँ, जिसको देख के आप लोग मजा आ जाएगा, और आपने ये सारा ये पहले ही देख लिया होगा हाइलाइट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे खाने में क्या बन रहा है? क्या हो बनेगा खाने वाने में? अभी एक घंटा नहीं हुआ तुमने पास्ता खाया, वो भी एक प्लेट भर के खाया तुमने। कितना टाइम हो गया? एक घंटा हुआ। 8 बज गया ना? हाँ। 9 बजे तक खा के आदमी सो जाना चाहिए। अच्छा, तो अभी तो तुमने खाया यार, इतनी जल्दी इसको भूख लग जाती है? तो फिर कैसे हर एक घंटे पे भूख लग जाती है, वो भी पेट भर के खाने के बाद? ये भी नहीं कि थोड़ा मोड़ा कुछ खाया हो, पूरा पेट भर के खाते हो उसके बाद? तो मेरे खाने पे वो देखते हो। मैं क्यों तुम्हारे खाने पे देखूं यार, इतनी ज्यादा पेट भूख लगते जाती है तुम्हें, वहां पता भी तुम्हारा वजन डाइट में बढ़ गया। अब तुम क्या कर रहे हो? फोटो चेक करा, कल की फोटो बड़ी अच्छी आई। कल की फोटो? कल जो गए थे हम लोग घूमने। तुम्हें कब से फोटो में इंटरेस्ट आ गया? मैं पीछे पीछे घूमती हूँ, फोटो खिंचवा लो, फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं। चलो छोड़ो, जब मेरे लिए बड़े चाय तो बना लाओ तुमसे, मैं देखूँ तब फोटो। क्या है छुपा के रहे हो? अरे फोटो देख रहा हूँ हमारी, और क्या कौन छुपा के? मेरी अच्छी आई है ये तो पीछे कितनी, वो जो इसमें मेरी फोटो तो है ना, वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे पहचान वाली लड़की मिली थी। हाँ तो उसका देखा था बढ़िया जो है? क्या देखा? कुछ नहीं। क्या देखा क्या देखा? अरे कितने बड़े बड़े थे उसके। क्या बड़े बड़े थे? कुछ छोड़ो यार, तुम जाओ। छोड़ो क्या छोड़ो, फोन दो। कुछ नहीं, तुम फोन दो, तुम दे जाओ चाय बना के लाओ। मैं नहीं चाय बनाऊंगी, पहले क्या बड़े बड़े थे जरा ये तो बता दो मुझे। अरे तुम छोड़ो ना यार, जाओ चाय बना के। मैं क्या चाहूं छोड़ो, हर चीज पे गुस्सा। शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे साथ में किसी और की फोटो देख रहे हो। किसी और की नहीं, तुम्हारी पहचान की तुम्हें। मेरे पहचान की है तो मेरे जान पहचान से तुम्हें क्यों देखना है? मैंने तो देखी नहीं, मेरे जान पहचान की है। छोड़ो पहचान नहीं देखना, मैं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ उसकी फोटो देख क्यों रहे हो यार? कोई चीज अच्छी होती है वो भी ज़ूम कर करके। कोई चीज अच्छी होती है दो बार चार बार आदमी देखता नहीं है। क्यों देखोगे मेरे अलावा, तुम किसी और को क्यों देखोगे? ताजमहल देखने आदमी कौन जाता है? तो वो तो चीज है, तुम तो इंसान देख रहे हो। हर चीज चीज ही होती है, चीज होती है मेरे सामने, तुम किसी और को देख रहे हो, और हर चीज चीज होती है। क्या तरीका है, तुमको बर्दाश्त नहीं होता कोई खूबसूरत चीज हो, कोई अच्छी चीज हो उसके बारे में बताना? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? तुम यार ऐसी हो तो तुम्हें दुनिया भर के लोग ऐसे देखेंगे। कोई चीज कोई अच्छी दिख रही है भाई, क्यों देखना है तुम्हें मेरे अलावा किसी और को? क्यों करनी है? और क्या बड़े बड़े थे उसके? उसका शेप भी बहुत बढ़िया था। दूसरों की बीवी जो शेप देख रहे हैं, वही यही करने जाते हो शादियों में, दूसरों की बीवी देखने? जो चीज अच्छी होगी वो आंखों में नजर पड़ेगी, सामने दिखेगा नहीं? तो बैठ के तुम शादी में लड़कियां ताड़ रहे थे? ताड़ नहीं था, सामने कोई चीज आ गई तो क्या आंखें बंद कर ले? तुम घर में रहोगे, अब से जाके वहाँ पे लड़कियाँ देखते हैं, शादी में लड़कियाँ देखने जाते हैं, बीवी के साथ सिर्फ बीवी को देखना होता है, बीवी की तारीफ करनी होती है। हाँ, घर में भी वही देखे, बाहर भी वही देखे। क्यों तुम्हारे पास अगर नहीं है कोई चीज तो क्या मतलब दूसरे की चीज ना देखे? क्या नहीं मेरे पास? कुछ भी हो मतलब क्या नहीं है यार, एक मुहावरा क्या नहीं है ऐसा जो उसके पास है जिसको तुम जूम कर करके देखो? प्यारी समझ गई एग्जाम्पल है। नहीं नहीं ऐसा जूम कर करके देख रहे हो तुम,
फोटो में तुम्हें बड़ा वो है, फोटो अगर अच्छे कैमरा जैसे कैमरा लिया अच्छा की बढ़िया फोटो आए तो उसको जूम करके देखे पिक्सल नहीं पड़ रहा, ये देख रहे हो क्या देख रहे हो? अच्छा तो मेरी फोटो देखो ना, किसी और की फोटो क्यों देख रहे हो? तुम्हारी देख लो बेटी की देख लो, किसी और की फोटो क्यों जूम करके देख रहे हो? ऊपर से बोल रहे हो कि उसके बड़े बड़े, क्या बड़े बड़े? कुछ भी हो, अब तुम मत मेरे मूड खराब कर दिया, दिमाग मत खराब करो, मेरे सामने बैठ के तुम किसी और की तारीफ कर रहे हो तो तुम जल रही हो क्या? हाँ जलूंगी, तो जा, जल के बोल, मेरा पति, मेरा पति है, मैं ही तारीफ करेगा, मेरे को ही देखेगा, मेरे ही बारे में बोलेगा, क्यों किसी और के बारे में बोलेगा? तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा थोड़ा छुड़ा ले जैसा, तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़े हूर के परे हो, सुन लिया ना, सुन ली सच्चाई, सुन ली सच्चाई, मन पेट भर गया तुमसे तो लाख गुना अच्छी हूँ मैं, तुम्हें तो मैं मिल गई वही शुक्र मनाना चाहिए, वरना मेरे से भी बेकार नहीं थी तुम्हें तो, तुम्हें तो एहसान मनाना चाहिए मेरा कि मैंने तुम्हें चूज किया शादी करने के लिए, वरना तुम्हें तो मेरे से भी घटिया मिलती, लायक हो तुम बैठ के मेरे साथ? मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुमको ना गन्ने की मशीन पर जैसे डाल देना तो अभी जूस बिना निकले, दूसरों पे तुम नहीं है, तुम्हारे पास चुप रहो, क्या नहीं है मेरे पास? अरे कुछ भी हो यार तुम जिस, हाँ दुखे नहीं, सुनो सुनो सुनो, जिस औरत का दिमाग घुटने से और नीचे आ जाए ना उसका जीवन वो हो जाता है, तुम्हारा दिमाग होगा घुटने में, मेरा तो नहीं, मुझे तो साफ साफ समझ में आ रही क्या चल रहा है, क्यों होगा तुम्हारे तलवों पे पैरों के तलवे पे, तुम्हारा तो है ही नहीं, है ही नहीं, तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना उसी हिसाब से तुमको लगता है तुम्हारे ये खाली है, कहाँ से बचेगा जब खा जाती पूरा दिन रात रात भर पूरा इसे खाती हो, बचेगा कुछ नहीं, खाती हूँ तुम्हारे, तुम्हारे पास पहले ही नहीं था, शर्म आ रही तुम्हें, मुझे बोल रहे हो और दूसरों को ताड़ रहे हो, नंगा होके गया था क्या, दूसरों को ताड़ रहे हो, पहले खुद को देख लो तुम हो कितना है, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पहचान क्या है कि नहीं है, मेरी जान पहचान की हो तो नंबर दिलाओ, कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं दिला सकते, तुम्हारे पास ये दोस्त है मैं, तुम्हें क्यों चाहिए, क्यों चाहिए मेरे दोस्त का नंबर, तुम्हें नंबर किस लिए चाहिए होता है, क्यों बात कर रही है, मेरे से बात करो ना, जो कर तुमसे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बताओ लगी है मेरे को, मैं बहुत मार दूंगी, लगी अच्छा इंश्योरेंस करवा देता हूं, तुम अच्छा निपट जाओ, मेरे पास इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, फिर मैं जो तुम्हारी सहेली जो तुम्हारी सहेली है उससे मैं बात करूंगा, क्या कर रहे हो ये, तुम्हें सिर्फ मेरी तारीफ करनी है, तुम्हारी तारीफ से मेरे को ही देखो, उसके देखो हर चीज बढ़िया जो है एक मतलब तरीके से रखे थे, हर चीज क्या रखे थे तरीके से जरा बता ना, क्या रखे थे, शर्म भी नहीं आ रही है, शर्म भी नहीं आ रही इस आदमी को मेरे सामने ही कर रहा बेवकूफी, तो देखो सारी चीज मतलब एकदम बढ़िया, और क्या देख रही है मेरे हाथ से, कैसे बताओ हाथ है उसके, बढ़िया हर एक चीज सेफ पे थी, ये देखने वाली बात है, अच्छा तुम्हें बड़ा तुम लायक हो खुद के पेट उखले हो रखे हो तुम, और उसका सेब उसके बड़े बड़े जो थे वो क्या ही बताए, तुम जो बिन पहने लोटे जैसे कभी इधर लुढ़क रहे हो कभी उधर लुढ़क रहे हो, तुम्हें बड़ा शेप वाली लड़की चाहिए, पूरी शादी में सबसे बड़े उसी के थे, ये मैंने नोटिस किया, क्या बड़े थे, क्या बड़े होते हैं, क्या बड़े होते हैं, तुम्हें बड़े देखने हैं दूसरों के बड़े बड़े, क्या अरे बाल आ रहे थे, बाल बाल पेट तक आ रहे थे, इतने बड़े थे पेट तक आ रहे थे, अरे बोला नहीं करा बड़े बड़े बाल, और मेरे भी तो बड़े हैं, ये बड़े हैं और क्या, देखो मेरे भी पेट तक आ रहे हैं, पेट तक नहीं आ रहे, बस ऐसे आ गए हैं, देखो उसके बड़े भी थे और शेप में भी थे बढ़िया, मेरे भी शेप में, मैंने अभी कटिंग कराई है, और सिर्फ बाल नहीं उसके बहुत चीजें बड़ी थी, उसके नाखून बड़े बड़े थे, नाखून बढ़िया नेल पॉलिश किए हुए, इतने बड़े बड़े नाखून थे, ये नेल्स भी अगर मैं तुम्हारे मुंह पे मारूं ना तो सेम उसी नेल्स जैसे काम करेंगे, और उसके बड़े बड़े और बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी थी, तुम क्यों इतना सीरियस हो रही हो, मेरे साथ तो मेरी तारीफ करो, और क्या ये बड़े बड़े सीधा मुंह पे बोलो, बाल बड़े बड़े नहीं और भी चीजें थी ना, मेरे नेल्स चाहे उतने बड़े हो चाहे इतने बड़े हो ठीक है, मारूंगी ना तो एक जैसे निशान बनेंगे, और भी चीजें थी ना बड़ी बड़ी, सुनो बता दो और चीजें थी, तुमने देखा नहीं मेरी नजरों से देखे तो अब तुम्हें पता चलता, तुम्हारी नजर तो बड़ी हो रही थी, उसके ओंट भी बड़े बड़े थे, अरे अरे यार
अरे 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 बस हो गिराओ फूट बड़े बड़े करना क्या गिरा तो बड़े करना क्या बड़े बड़े बेचारे बेटे नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी बैठ करना क्या था तुम्हें उसके होंठ बड़े होड़े से और भी चीजें बड़ी थी अरे बहुत बड़ा हो गई जाइंट थी नी हिडिंबा के खानदान की 10 फुट की थी बड़ी बड़ी तुमसे तो लंबी थी 1 फिट तो लंबी होगी ही और क्या अगर वो मेरे से 1 फिट लंबी थी तो यानी तुम तमीजी मत करो मेरे साथ और अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज नहीं है तो तुम स्वीकार करो यार है कि नहीं अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हें दूसरों की तारीफ करनी क्यों है यार उसके जब बड़े थे तो थे तो तुमने उससे करना क्या है देख के अच्छा लग रहा था अरे 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 लग लग जा लग जा सब निकाल दूंगी मैं तो तुम बम दिखा क्यों मार रही हो लेकिन वो देखो तुम कुछ भी कर लो उसका बम भी बड़ा था अरे सुनो सुनो बम का मतलब वहां पर किसी ने बम बम चिल्ला दिया था और कुछ नहीं है अरे बम चिल्ला दिया था उसका बम अच्छा था कैसे हो गया हा? उसका तो था ही नंबर अरे मेरा हाथ टूट गया यार ऐसा है देखो अगर किसी का बम अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे ना उसका साड़ी पहन करके क्या गजब ऐसे सेफ लग रहा था चीज देखने जाते हैं लोगों के ये काम बचा है हाँ अरे तो प्रैंक था यार ये तो प्रैंक था प्रैंक में भी प्रैंक था ये प्रैंक अरे 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 क्या कर तो गाइस अपनी बहस को आप खुद संभाल लें दिमाग मत खराब करो ना बहुत मारूंगी ठीक है अगर आपको कभी शादियों में कोई अच्छी चीज दिख जाती है तो अपनी बीवियों के सामने तारीफ ना करें बाद में भले ही कर लें नहीं तो ये भैंसे पता नहीं कब जो है अपना ये भैंसे कब अपना हाँ इलाका छोड़ के इसे मारने के लिए दौड़ पड़े कोई भरोसा नहीं है तो गाइस आज का हमारा प्रैंक कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको शादियों में खाना अच्छा लगता है या दूसरे की भाभियाँ ठीक